हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सीजी विजन। तो आज हम लोग देखेंगे कैसे इन क्लॉथ से हम लोग टेबल क्लॉथ या बेड शीट टाइप का कुछ बना सकते हैं। एकदम बेसिक एंड सिंपल प्रोसेस होगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो टेबल क्लॉथ के लिए एक टेबल चाहिए, तो हम लोग बेसिक टेबल है, सिंपल सा राउंड टाइप का, इसके ऊपर हम लोग एक टेबल क्लॉथ देना है। हम लोग यहाँ से एक डिस्क ले लिए, चैनल बॉक्स में आता है, इसका जो डिवीजन है वो थोड़ा ज्यादा कर लेंगे, रेडियस भी जो है उसको थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं हम लोग टेबल के हिसाब से। लास्ट टाइम जो पिलो मॉडलिंग दिखाया था उसमें मैंने बोला था कि डिवीजन हम लोग को ज्यादा चाहिए, तो इसमें हम लोग देखेंगे ज्यादा चाहिए। एक चीज का हम लोगों के पास दो कॉपी करेंगे, एक में डिवीजन बहुत ज्यादा रखेंगे, एक में डिवीजन कम रखेंगे। जैसे कि ये एक है जिसमें डिवीजन ज्यादा है और एक बनाएंगे जिसमें डिवीजन कम है। डुप्लीकेट कर लिए, इसमें डिवीजन कम कर लेते हैं। अभी के लिए जो डिवीजन ज्यादा है उसको हाइड कर देते हैं। नॉर्थ के लिए हम लोगों को इफेक्ट्स मेनू में आना पड़ेगा, इसलिए हम लोग लेफ्ट साइड में जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है इसको मॉडलिंग से इफेक्ट्स में कर लेंगे। पहले हम लोग एक बार इसका डिलीट हिस्ट्री कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं। इसके बाद हम लोगों को ऊपर में जो मेन मेनू है इसमें एंड क्लॉथ में आके क्रिएट एंड क्लॉथ, तो ये क्रिएट हो गया। हम लोग का आउटलाइन में देख सकते हैं, एक न्यूक्लियस आ गया, एक एंड क्लॉथ आ गया। अभी इसका हम लोग प्ले करेंगे, देखो नीचे जा रहा है क्योंकि डिफॉल्ट में इसमें ग्रेविटी आ गया था 9.8, देखो नीचे जाता आएगा। लेकिन अगर हम लोग को ये दिखाना है कि ये जो टेबल है इसके साथ वो इंटरेक्ट करेगा, कोलाइड करेगा, तो हम लोग को ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एनक्लॉथ में आके इसको पैसिव कोलाइडर करना पड़ेगा। तो ये करने के बाद आ गया यहाँ पे इन रिजिड बॉडी। अभी हम लोग प्ले करेंगे, देख सकते हो ऐसा आ रहा है। ये हम लोग का जो डिवीजन कम है अभी हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं, जो हाई पॉली है उसको हम लोग लेके आएंगे, हम ऐड करते हैं सेम इनक्लोड ऐड कर देते। तो इसको हम लोग प्ले करेंगे, देख सकते हो कितना स्मूथ ये दिख रहा है। इतने डिवीजन ज्यादा आएगा उतना स्मूथ आएगा, इसमें भी थोड़ा थोड़ा देख सकते हो उतना भी स्मूथ नहीं है। इसको हम लोग थ्री प्लेस करेंगे तो और भी स्मूथ हो जाएगा। अभी जैसा हम लोग को चाहिए कैसा हम लोग रख के वहां पे स्टॉप कर देंगे, प्ले करेंगे देख सकते हो ऐसा आ रहा है। अभी हम लोग को जैसा चाहिए इस फ्रेम में हम लोग को लग रहा है हाँ ये सही लग रहा है, तो इस फ्रेम में इसको स्टॉप करना है। स्टॉप करके हम लोग इसको सिलेक्ट करके एक शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो एक डुप्लीकेट हो जाता है। ये हम लोग एक डुप्लीकेट हो गया। अभी हम लोग प्ले करेंगे तो जिसमें इनक्लोज एंड है उसमें वो एनिमेशन होगा, इसमें और नहीं होगा, ये एक अलग ऑब्जेक्ट होगा। इसमें डिलीटिस्टी कर देंगे, सेंटर पिवट कर देंगे, इसका हम लोग एज ए ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। इसमें क्लॉथ का कुछ वैल्यू है नहीं, इसको हम लोग ऐड कर दें। अभी हम लोग क्लॉथ में कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जैसे कि ये हम लोग एकदम सेंटर में है इसलिए वो एक ही जगह पे है, थोड़ा साइड में होगा तो स्लिप करके नीचे चले जाता है। एक साइड में हम लोग अगर ये फ्रेम लेंथ को थोड़ा ज्यादा कर देंगे, अगर 200 भाई ये उससे भी ज्यादा तो दिख सकते हैं। ठीक है, ये एक साइड में स्लिप होकर नीचे आ रहा है, ये हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, तो थोड़ा ज्यादा कर दें 300 फ्रेम तक कर दें। इसके लिए क्या करना पड़ता है हम लोगों को, जो इनक्लॉथ का प्रॉपर्टीज है उसमें आना पड़ेगा,
इसमें कुछ ऑप्शन आता है जैसे कि स्टिकीनेस, स्टिकीनेस को हम लोग थोड़ा ज्यादा कर देंगे जैसे कि अगर 0.1 तो लेवल तक वो वहां पे चिपक जाता है, लेकिन वो प्ले करके देखना पड़ेगा कि ठीक लग रहा है कि नहीं, उसके बाद ही वो वैल्यू हम लोग रखेंगे। इफेक्ट्स का जितना भी वैल्यू रहता है वो हम लोग को बार बार चेंज करके देखना पड़ता है इसमें अच्छा आ रहा है, देखो इसमें 0.1 में ये ठीक ठाक लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, नहीं स्लिप कर रहा है, तो ये वैल्यू ठीक है। तो अभी यहाँ पे कुछ प्रेशर जैसा रहता है ब्लूटूथ का, यहाँ पे हम लोग प्रेशर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो एयरबैग, बीच बॉल, प्रोलैप, ये सब रहता है। तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज यूज करके देख सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज चेंज करेंगे तो यहाँ पे जितना भी सेटिंग्स है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि हम लोग अगर इसको सिल्क कर लिए तो नेक्स्ट टाइम जब इसको प्ले करेंगे, हम लोग इफेक्ट्स का जब भी काम करेंगे तो हर बार प्ले करने का टाइम उसको 0 या 1 फ्रेम से स्टार्ट करना पड़ता है, तो स्टार्ट फ्रेम में फिर से प्ले करेंगे तब उसका आउटपुट ठीक ठाक दिखेगा। अभी हम लोग सिल्क यूज किए, हर एक चीज का अलग अलग आउटपुट आता है, टी शर्ट में और थोड़ा स्ट्रॉन्ग आएगा, ये आप लोग खुद से चेंज करके देख सकते हो कैसा आ रहा है। अभी इसके ऊपर हम लोग नॉर्मल जैसा ईवी एंड अप करके एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग को जो करना है इसको कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लिए, डुप्लीकेट करने के बाद जो ये है इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। अभी हम लोग को न्यूक्लियस भी नहीं चाहिए, रिजिड बॉडी भी नहीं चाहिए, ये हम लोग का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। यूवी एडिटिंग से हम लोग इसको यूवी कर सकते हैं, इसमें हम लोग कुछ भी टेक्सचर देंगे तो दिखेगा। ये हम लोग एक ऐड कर दिए, इसे हम लोग रिप्रेजेंट भी दे सकते हैं। और भी छोटा कर सकते हैं, तो ऐसे इजीली हम लोग टेबल क्लॉथ बना सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे बेडशीट टाइप को कैसे बना सकते हैं। सिंपल से बेड का मॉडल है जो भी है वो, अभी हम लोग को बेडशीट ये सब बनाने के लिए हम लोग ट्रेन देना पड़ेगा। तो हम लोग टॉप व्यू से इसे थोड़ा बड़ा इसको थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, चाहे तो इसको थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं। अभी इसमें कोई डिवीजन है नहीं तो हम लोग डिवीजन देंगे और ज्यादा 50-50 कर दिए, ठीक है इतना चल जाएगा। इसको थोड़ा ऊपर कर दिए ऐसे थोड़ा इधर, अभी हम लोग इफेक्ट्स में आ जाएंगे, इन क्लॉथ से क्रिएट इन क्लॉथ कर दिए, तो देख सकते हो यहाँ पे ये नीचे जा रहा है, ठीक है। अभी अभी हम लोग को जो करना है ये भी जितना भी है इसको हम लोग को रिजिड बॉडी करना है, तो सब सिलेक्ट कर लिया एक साथ एंड क्लॉथ से यहाँ पे क्रिएट पैसिव कोलाइडर क्रिएट कर दिए। अभी हम लोग इसको प्ले करेंगे तो देख सकते हो ऐसे हो गए नीचे जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे इनक्लोथ में आएंगे, इनक्लोथ में आके एट्रीब्यूट्स एडिटर में इसके जो स्टिकीनेस है उसको थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, पहले 0.1 करके देखेंगे, अगर इससे भी ज्यादा चाहिए तो बाद में करेंगे, तो ज्यादा कर दिए, फिर से प्ले करके देखेंगे, शायद में और थोड़ा ज्यादा होता तो अच्छा होता। अभी देख सकते हो अगर हम लोग ग्राउंड सोच के चले तो ये नीचे जा रहे,
तो दो ऑप्शन रहते हैं, अगर आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट है इसको हम रिक्वायरी कर सकते हैं, जो पैसिव कॉलेट है वो हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो और एक ऑप्शन जो रहता है वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, जैसे ग्राउंड प्लेन, इसको यूज प्लेन करेंगे तो हम लोग को क्या होगा कि इस चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली जो ग्रीड है उसको ग्राउंड कैलकुलेट करेगा, इसे हम लोग देखेंगे अभी। ये तो एकदम सिंपल साइड टाइप का हो गया, अगर कुछ डिफरेंट टाइप का हम लोग को चाहिए होता है जैसे रिंकल्स वगैरह रहता है तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये जो प्लेन है इसको थोड़ा हम लोग ऊपर कर देंगे, इसको रोटेट कर लेंगे और थोड़ा ऊपर कर लिए, हम इसको प्ले करेंगे देखेंगे। देखिए तो रिंकल्स के साथ इक्वेट हो गया, और ज्यादा ऊपर रोटेट करेंगे तो और ज्यादा होगा, इसलिए इसको थोड़ा और रोटेट कर देंगे ऐसे, ये और थोड़ा पीछे से करेंगे तो और ज्यादा हो रिंकल्स वगैरह क्रिएट करेंगे। हम कैसे चाहिए इसको स्टॉप कर दिए, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लें, बाकी ये जो चीज है इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, जो जितना भी एजिट बॉडी है वो भी नहीं चाहिए, न्यूक्लियस भी नहीं चाहिए, उसे हम लोग ऐसे रख दिए और अभी नीचे हम लोग ठीक ठाक ही है ये भी, तो हम लोग इसमें टेक्सचर कर देंगे मटेरियल ऐसे कर देंगे। डुप्लीकेट करने के बाद भी इसको हम लोग जैसे कि पकड़ लीजिए हम लोग इसको थोड़ा नीचे कर दें इस साइड का, तो इसे भी हम लोग फिर से इनक्लोथ कर सकते हैं, इनक्लोथ कर दिए और बाकी जो बेड है इसको पैसिव कोलाइडर कर दिए, तो हम इसको प्ले करेंगे देख सकते कैसे होता है, हम लोग का आउटपुट थोड़ा अच्छा हो गया ठीक। इसको कंट्रोल डी से डिलीट कर दिए, बाकी का जो चीज है वो सब डिलीट कर देते हैं, उसके बाद हम लोग को कुछ चाहिए होगा मतलब तो कुछ चेंज वगैरह थोड़ा सा, हम लोग यहाँ पे स्कल्पचर टूल से हम लोग हल्का हल्का से कर सकते हैं, जैसे कि पोल्ड से यहाँ पे इसको नीचे ऐसे कर सकते हैं, बस ज्यादा नहीं। तो ऐसे हम लोग एनी क्लॉथ से इजीली टेबल क्लॉथ हो या बेड शीट हो या ब्लैंकेट टाइप का कुछ हो ये सब हम लोग इजीली बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।